डबल इंजन के साथ इन्होंने ट्रिपल इंजन भी जोड़ने का काम किया। तो आज शहरों में इतने बड़ा हुआ है, कैसे अपनी अपनी जिम्मेदारियों की भी हम बात कर लें दीपक रंजन जी, अपनी जिम्मेदारियां, कुछ कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां, आपकी भी जिम्मेदारियां, आप उसकी भी बात करेंगे? आप सिर्फ आरोप मत लगाइए, आप वो भी बताइए ना, आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया था। खैर ठीक है, वापस मैं आपका रुख करूंगी सर। इस वक्त हमारे साथ केपी सिंह भी हैं, टाउन प्लानर है, उनका मैं रुख कर रही हूं क्योंकि इस चीज को बेहतर वो समझा पाएंगे कि किस तरीके से डूब क्षेत्र के नियम आखिरकार क्या कहते हैं। जब एक शहर को बसाया जाता है किन किन नियमों का ध्यान रखा जाता है, पास में कोई नदी है, कोई नाला है, किस तरीके से ये पूरा प्लान होता है एक सिटी को लेकर के? सर धन्यवाद। देखिए कहीं भी जब कंस्ट्रक्शन होता है तो जितनी भी नदियां हैं वहां से जस्टिफाइड होता है कि हमको 100 मीटर दूर 200 मीटर दूर तक कंस्ट्रक्शन की मनाही रहती है जी। लेकिन उसका नियम में तो ऐसा है, लेकिन उस वहां कहीं धारा में यह नहीं आता है कि उस किस पॉइंट से हमको 100 मीटर जाना है, किस पॉइंट से हमको 200 मीटर जाना है। जो नदियों की चौड़ाई थी आज के डेट में देखिए तो सारे नदियों की चौड़ाई कम से कम चौथाई बस है, मतलब उसके किनारे जो जो सिल्ट जमा होती है गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नेता जो लोग आते हैं सीधे विपक्ष पर कोई आरोप लगाएगा, कोई सत्ता पक्ष पर करेगा, लेकिन काम तो करने वाला अधिकारी होता है, तो हम अधिकारियों को कभी जिम्मेदार बनाते ही नहीं है। हम इसको कभी सोचते नहीं है कि कोई अधिकारी को उसको 3 साल का या 5 साल का उसको समय दिया गया है और एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे शिल्ट हो नदी में किसी भी तरीके की कोई सफाई नहीं, और बाढ़ आने के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है। वो टेंडर होता है तो 5 महीने में टेंडर होता है, तब तक बाढ़ आ जाती है, वहां से कुछ निकलता नहीं है, और वही हाल होता है जब हमारा सीवर की सफाई, नाले की सफाई, ठीक है, मई के महीने में ये तैयारी तो हमारी फरवरी में होनी चाहिए। ठीक है, सुशील द्विवेदी पर्यावरण विद हमारे साथ है। सर ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, हमने देखा है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, आपको खुद को तैयार रखना होगा। कहां चूक हो जाती है मौजूदा सरकारों से कि इस तरीके से जब आपदा आती है तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान छोड़कर चली जाती है? अभी तो ये शुरुआत है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये शुरू ही हुआ है अभी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो ये कह सकते हैं एक झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी हम और आप लोग इस मौसम का विकराल रूप भविष्य में निश्चित ही देखने जा रहे हैं। आपने एक चीज अगर बहुत गौर से देखी हो, पिछले 2-3 सालों में आपने मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां देखी होंगी, अगर गर्मी पड़ती है तो इतनी एकदम एक्सट्रीम पड़ती है, या फिर बारिश होती है तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंचती है। आपने देखा होगा, अभी देखिए बारिश हुई और अंबाला से लेके नई दिल्ली और यहाँ लखनऊ तक पानी का विकराल रूप हम आप लोग देख रहे हैं। तो एक तरफ ना केवल इस बारिश ने मौसम विभाग की पोल खोली, बल्कि टाउन प्लानिंग या शहर बसावट वाले जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं उनकी भी पोल खोली, और साथ में हम इंसानों को भी बुरी तरह से लज्जित किया। हम इंसानों को भी बुरी तरह से कह सकते हैं कि सरेआम एक प्रकार से लोगों के सामने हमारा जो बुरा चेहरा है देखने को मिला, कि हम इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए ना केवल नदी नालों को सकरा कर दिया बल्कि उसको सिल्ट, गाद और तमाम अवांछित चीजों से भर दिया। आप अगर देख रहे हो जो आज के वर्तमान दौर में हम और आप लोग जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां जो सीधे सीधे फेस कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो जलवायु परिवर्तन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इफेक्ट हैं। सरकारों ने बहुत कुछ करने की सोची पहले, विशेषकर मैं वाजपेयी साहब की सरकार की बात बताना चाहूंगा, उनका एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट आया था, आपको याद होगा, उस प्रोजेक्ट के अनुसार ये था कि वो नदियों को जोड़ना चाहते थे। जो आज हम और आप लोग परिस्थिति देख रहे कि किसी एक नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ है और दूसरी तरफ दक्षिणी हिस्से में हमारे देश के वहां पर बाढ़ नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बारे में कल्पना की थी। उसमें थोड़ा बहुत काम भी हुआ, मेरे बुंदेलखंड में, मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं, वहां पर केन बेतवा को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में वो बातें कागज पर ही रह गई और अभी हम उसको एक तरह से साकार होते हुए नहीं देख पा रहे। एक तो ये जो बनाया गया था, बोलिए जी जी हाँ, एक तो देखिए ये जो एक बहुत आगे तक की सोच के रखी गई थी कि भाई भविष्य में ऐसी स्थिति भी हो सकती है
जिसमें बाढ़ सूखा जैसी स्थिति में ये नदी जोड़ो वाला जो अभियान चलाया गया था, ये निश्चित ही आज के दौर में शायद इतने जो कैजुअलिटी हम और आप लोग देख रहे हैं इससे बच जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है सुशील द्विवेदी जी, और आलोक वर्मा आपका रुख कर रही हूँ, सुशील द्विवेदी को सुना आपने, पर्यावरणविद है, वो सुझाव भी दे रहे हैं। देखिए ये सवाल इसलिए भी सर आज इस योजना का अगर जिक्र हुआ है क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आप हैं, तो आगे क्या सरकार इस वक्त कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, विचार कर रही है, क्या है आपके पाइपलाइन में? क्योंकि जरा से भी बारिश देखिए अगर होती है तो कई जगहों से हमने तस्वीर देखी है वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, निचले इलाके अगर दो तीन दिन बारिश होने लग जाए तो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं, त्राही माम एकदम से एनडीआरएफ एसडीआरएफ लग जाता है रेस्क्यू में और शेल्टर होम लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत जिंदगियां पीछे छूट चुकी होती है, लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है, सरकार की कुछ नीति है जिस पे इस वक्त काम हो रहा है? सरकार और केंद्र सरकार संवेदनशील सरकार है और जिस तरीके की स्थितियां देश प्रदेश में आ रही है उसके बारे में मोदी जी भी चिंतित है और प्रदेश की हमारी योगी सरकार भी चिंतित है। जो अभी हमारे पर्यावरण जो बैठे थे जो नदियां जोड़ने की बात जो कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की योजना थी, निश्चित रूप से उस पर विचार मंथन चल रहा है। जो जो भी इसमें चीजें आ रही है वो निश्चित रूप से इसका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है निश्चित रूप से हम हमारे लिए वो चिंता का सबब है, क्योंकि 37-38 जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं जहां बाढ़ की स्थितियां विविध वजहों से पैदा हो जाती हैं। कभी कभी नेपाल में पानी जब ज्यादा बरस जाता है तो वहां से पानी अंदर आ जाता है, या फिर दूसरी वजह है कहीं निर्माण बहुत ज्यादा हो गया है, अवैध निर्माण हो गया है, उस पर भी बुलडोजर चलाने की बात जो आप लोग मीडिया में बार बार कहते हैं हमारी सरकार। देखिए नोएडा में भी आप कह रहे हैं, निचले इलाके छोड़ दीजिए, नोएडा के सेक्टर 125 135 में भी जो पॉश इलाके हैं वहां भी बाढ़ का पानी इस वक्त घुसा हुआ है, ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी स्थिति है सर, ये तो शहर है। जो बड़े शहर हैं जहाँ निर्माण बहुत तेजी से हुए हैं पिछले सालों में, बहुत निर्माण हुए हैं, 5-6 साल पहले आप चले जाइए तो बहुत अवैध निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, निश्चित रूप से उसको पूरी तरीके से खत्म करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वक्त लगेगा, लेकिन पहली जरूरत जिस तरीके की है हमारे उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि इस समय राहत किस तरीके से मिले, किस तरीके से राहत शिविरों में भेजा जा सके, वहां किसी तरीके का कुप्रबंधन ना हो, वहां हम दवाएं पहुंचा सके, राहत पहुंचा सके, ये हमारी पहली प्रायोरिटी इस समय है। पिछले एक साल से लगातार इसमें कहीं कोई शक नहीं कि सरकार लगातार तैयारी करती रही है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का समय है और जिस तरीके से कभी सर्दी ज्यादा हो जाती है, कभी गर्मी जो है हो जाती है कि जो जरूरत से ज्यादा होती है, फिर बरसात भी कुछ इस तरीके की हो जाती है, किसी एक इलाके में ज्यादा हो जाती है, किसी दूसरे इलाके में कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से सब चिंता का सबब है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक और हम सब मिलकर के इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे, इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जिस तरीके से देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है, नए तरीकों के साथ जुड़ रहा है, तो इसका भी स्थायी बंदोबस्त करेंगे आप, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोगों को अभी जो प्रभावित लोग हैं इस बार भी वो आगे आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जितनी बातें आलोक वर्मा आपने कही है कि स्थिति ऐसी नहीं होगी, अभी ये शुरुआत हुई है, हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में भी त्राहिमाम है, सियासत भी हो रही है। दीपक रंजन, ये वक्त सियासत का नहीं है, साथ मिलकर के काम करने का, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या आप लोगों ने जाकर के ग्राउंड पर कोई मुआयना भी किया है, जायजा भी लिया है किस तरीके से सरकार पे आरोप चुकी आप लगा रहे हैं, राहत शिविरों में लोगों को ठहराया जा रहा है, क्या इंतजाम इस वक्त प्रदेश में या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या इनिशिएट लिया जा रहा है सर, ताकि ऐसी तस्वीरें हमें देखने को ना मिले? देखिए प्रिया जी, जो बात हमारे भाई आलोक वर्मा जी कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ, देखिए इसमें रणनीति करने का नहीं है, और पहल सत्ता पक्ष को करनी चाहिए, आज जवाब तलब जो है सवाल जवाब जो है सत्ता पक्ष से होगा क्योंकि जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। हम तो चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षी लोगों से बुला करके बात करें, कुछ अधिकारियों से मिलकर के बात करें कि इस आपदा से कैसे लड़ा जा सकता है, इसमें कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। और आप कह रही है कि सड़क पे जाने का हाल, ये गोरखपुर के मेन गोलघर की तस्वीरें हैं और ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, मैं आपको कहां तक दिखाऊं, ये अभी हमारे भाई आलोक वर्मा जी कह रहे थे ये सारी गोरखपुर की तस्वीरें हैं, अगर आप देख पा रही हो तो, और ये सारी गोरखपुर की मेन रोड की तस्वीरें हैं, क्या पहले से नहीं मालूम था कि बरसात होने वाली है, पहले से जो है उसकी क्या तैयारी करने का काम किया जी? अगर मान लीजिए अगर इसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष से मिल करके
अगर कहीं कोई बात करनी है तो उसमें सत्ता पक्ष पीछे क्यों हट रहे? हम तो चाहते हैं कि विपक्ष अभी बैठ करके बात करिए।